तो हेलो भाई लोग, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इजराइल का काम स्टार्ट है अभी। इधर छरिया फिटर और हेल्पर को भारी मात्रा में ज़रूरत है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, छरिया फिटर का काम हो रहा है और ऐसे ऐसे बहुत काम हो रहा है और आदमी शॉर्टेज है इधर। तो वर्कर अभी और चाहिए इधर, ऑलरेडी वैकेंसी गया हुआ है इसका। और ड्राइवर का भी गया है, भाई साहब पूछ रहे हैं आप लोग ड्राइवर का है कि नहीं। ड्राइवर का भी गया हुआ है, तो आप लोग संपर्क कीजिए और जो आदमी इच्छुक है आना चाहता है आ सकता है। काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इधर। जो आदमी इच्छुक है आने के लिए आ सकता है, छरिया फिटर और हेल्पर को बहुत ज़रूरत है इधर। फिर एक बार बता रहा हूँ, स्टील फिक्चर जो अपने तरफ RCC बोला जाता है, छरिया फिटर, तो छरिया फिटर का ज़रूरत है और हेल्पर लोग का ज़रूरत है इधर ज़्यादा मात्रा में। जो बंदा अपना भाई लोग इंडिया से आना चाहता है आ सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। काम बढ़िया है, सैलरी अच्छा दे रहा है। जो आदमी आना चाहता है आ सकता है। तो आप लोग वीडियो देखिए और जो जो इच्छुक आदमी है आने के लिए कमेंट कीजिए, आगे का सलूशन बताएंगे हम कैसे क्या करना है। और हाँ, ड्राइवर लोग के लिए भी एक वीडियो बहुत जल्द बना कर डालेंगे, ड्राइवर की भी बहुत ज़रूरत है। फायर ब्रिगेड ड्राइवर का तो जो जो बंदा अपना भाई लोग इंडिया से आना चाहता है उसके लिए अभी सुनहरा मौका है। और सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त लगा रहा है, जो अपने तरफ विधायक का जितना सैलरी उससे ज़्यादा इधर मिल रहा है हेल्पर लोग का। तो जो बंदा पैसा कमाना चाहता है वो आ सकता है इधर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आराम से आए और काम करे, कोई परेशानी नहीं है। देखिए जैसे कि ये ग्रेंडर चला रहा है, अपना इंडिया का बंदा है, तो इसे टेक्नीशियन का ज़रूरत है। स्टील फिक्चर लोग जो होता है ग्रेंडर चलाता है और काटता है सब, तो टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी गया हुआ है। जो बंदा आना चाहे वो आ सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। खाना पीना रहना फ्री है और सैलरी इंडियन हेल्पर का 1,20,000, 1,10,000 ऐसे दे रहा है। और वो डिपार्टमेंट में वो टेक्नीशियन का 1.5 लाख के ऊपर दे रहा है। तो सुनहरा मौका है, जो बंदा आना चाहता है आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये सब रोड डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है। ये एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर में थोड़ा परेशानी है, लेकिन रोड डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखिए और बताइए, तब तक लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।